साधना किस रकम से गुरु करवा लेंगे तुमसे, ये तो तुम्हें जानकारी नहीं है। पंच पांडव को समझ नहीं था उनको साधना करवाया जाएगा, सारे अपमान, सारी तुच्छता, इतना अनादर राजा को करके बहिष्कृत करना, ऐसा जब ना घर रहे, जब घर ही ना रहा तो और क्या रहा, ऐसी जब मन की अवस्था होगी तब मन कृष्ण ढूंढेंगे। तो ऐसे ही छात की बहार, आबे की बहार ना हो जाओ तो तुम भगवान की भक्त बनोगे नहीं। अहंकारी मन, स्वार्थी मन, अपनी चार दीवाली की मन का अपनापन, उससे निकालना मुश्किल होती है। एक ही रास्ता है, प्रेम। प्रेम एक ऐसी चीज है, एक ग्रीजिंग इफेक्ट है। जैसे कोई चीज अगर छोटी सी जगह से पुश ना होता तब ग्रीज लगा के, या ऐसे ही कुछ जो ऑयली पदार्थ लगा के वी कैन पुश इट इनसाइड। इसलिए ग्रीजिंग गाड़ी में यूज होता है। भक्ति और प्रेम, इसमें अंतर क्या है? भक्ति थोड़ा दूरी है, ईश्वर है, वहाँ है, पूजा पाठ हो गया, सारे आंगिक हो गया, जब मेरा टाइम हुआ तो तब हो गया, मांगना हो गया, श्रद्धा हो गया, नाउ यू आर देयर, नाउ आई एम विथ माई सेल्फ, ये भक्ति की रकम होती है। प्रेम वो होता है जो हर पल याद आता है, इसकी नाम प्रेम होती है, जो माँ बाप की संतान के साथ होती है। छोटे बच्चा जब माँ बाप से, या जो बुजुर्ग के पास वो बड़े होते हैं, उसकी नाम प्रेम होता है। कहीं पे भी माँ बाप रहे, उसकी मन पड़ा रहता है वो छोटा बच्चा क्या कर रहा है, ये किया क्या, वो दिया क्या, जिसके पास छोड़ आया वो देखभाल कर रहा है क्या, प्रेम। अब छोटा बच्चा जिसके हाथ पकड़ के बड़ा हो रहा है, वो उनमें ही दुनिया देखता है, उनकी ईश्वर वो है, इसीलिए माँ बाप पहला ईश्वर, उस शिशु के लिए तो ईश्वर ही है, लेकिन उनमें ईश्वरत्व तो जागृत नहीं हुआ है। तो तुम्हारे लिए अगर वो ईश्वर पूर्णता से, तुम अगर उनको ईश्वर मानो तो तुम्हारी पूर्णता तो तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनमें तो पूर्णता हुई नहीं। इसकी नाम प्रेम है, जब बस सिर्फ उसी की तरफ ही फेस, पूरा मन सामने है या ना है, बस वही जगत। फिर यूथ आती है, वैसा भी यूथ में जब प्रेम होता है दूजा से, तभी भी ऐसा ही मन हो जाता है, बस वो छोड़ के और कुछ दिखता नहीं है। लाइफ एंड वर्ल्ड इज ब्लर्ड, इसके नाम प्रेम है। तो अगर जातना ना रहे तो बिना प्रेम का कुछ संभव नहीं है। और जब प्रेम होता है तब युक्ति बुद्धि काज नहीं करता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता तो ठीक है, ऐसा तो संभव नहीं है, है बुद्धि है, लेकिन वो उस हिसाब से चलेगा नहीं। उसकी एकमात्र रूख है वो और तुम, उसके लिए सारे दुनिया साइड। ऐसी अगर मन की गति होती है तो उपासना की रेखा सरल हुई है और अंतिम तक परब्रह्म प्राप्त होना ही है।